हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोटो जी 34 5G का टॉप 20 प्लस फीचर। अगर आपने ये मोबाइल खरीदा या फिर खरीदने की भी सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले फीचर्स के लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर लेना है। मेरे पास अभी ये ऑन ही है। अब यहाँ पर आपके पास जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी उसको यहाँ से आप क्लियर भी कर दूंगा। मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप जैसे क्लियर करके उसकी पूरी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपके पास मौजूद रहेगी। अब आपके पास जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपके पास मौजूद रहेगी, आप कभी भी आकर यहाँ पर देख सकते हो। दूसरे फीचर्स के लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले हमें डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप पूरा मोबाइल को ब्लैक करना चाहते हो तो यहाँ से आप पूरा ब्लैक भी कर सकते हो। मैं अभी व्हाइट ही रखना चाहूँगा। और यहीं पर आपको डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आपके जो डिस्प्ले की साइज है, ऐप वगैरह, इनको बड़ा छोटा करना है, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना है तो आप कोई भी बड़ा छोटा कर सकते हो। और यहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आपको बड़े छोटे करना है, आप ऐप देख सकते कितने बड़े हो चुके हैं, आपके जो फॉन्ट वगैरह बड़े हो चुके हैं, तो आप जितना रखना चाहो यहाँ पर आकर आप रख सकते हो। यहीं पर आपको डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आपकी जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट है वो 120 आज है, तो यहाँ पर आकर आपको 120 आज कर लेना है। आपकी जो स्क्रीन है वो काफी स्मूथ चलेगी। फीचर्स के लिए आपको सेटिंग में आना है, यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन टाइम आउट, यानी आपको स्क्रीन को कितने देर तक ऑन रखना है। यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक आप ऑन रख सकते हो, तो आप जितना रखना चाहो यहाँ पर आकर आप रख सकते हो। चलिए अगले फीचर्स की बात करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन यानी कलर का ऑप्शन, यानी आपके जब स्क्रीन के कलर चेंज करना चाहते हैं ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए, तो जो भी आपको कलर करना है ऐसे चेंज कर सकते हो। जब भी आप आके आंखें खराब नहीं होंगी आप इनको कलर चेंज कर लेते हो तो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट से रिलेटेड बता देता हूँ। आपको पता होगा ऐसे ऊपर से आप स्क्रीनशॉट लेते होंगे या फिर आप बटन से स्क्रीनशॉट लेते होंगे, या तो आपको सभी को पता होगा। अगर आप यहाँ पे 3 फिंगर से कुछ इस तरह के करें जो स्क्रीनशॉट है वो आ जाएगा। ये देखिए, तो आप जिस तरह के स्क्रीनशॉट लेना चाहो यहाँ पे आकर आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैमरा के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे कैमरे पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी आप मैक्रो के पास से किसी के पास से फोटो लेना चाहते हो यहाँ ले सकते हो। और यहीं पर आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर प्रो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे मोर के अंदर भी और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ड्यूल कैप्चर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों से वीडियो बनाना चाहते हो आसानी से बना सकते हो। चलिए दोस्तों, अब अगले फीचर्स की बात करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर शो होगा कि आप दिन में कितने देर तक अपने मोबाइल को यूज़ करते हो, कौन कौन से ऐप यूज़ करते हो, कितने देर तक अपने मोबाइल को यूज़ करते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 बार अनलॉक किया है, नोटिफिकेशन मेरे पास 0 आई हुई है और मैंने 6 मिनट तक यूज़ किया है। और यहाँ पे शो होगा कि आप कौन कौन से ऐप यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने मोबाइल में जाकर देखिए आपने कौन कौन से ऐप यूज़ किए हैं। चलिए दोस्तों, अगले फीचर्स की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा फ्लैश नोटिफिकेशन, यानी आपके पास जब भी कोई नोटिफिकेशन या कुछ कॉल वगैरह आएगा तो आप इसको ऑन कर लेना। अब जब भी आपके पास कॉल वगैरह आएगी जो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाएगी, काफी अच्छी लगेगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये फीचर्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप दूसरे मोबाइल के भी फीचर्स देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।